हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर का जो स्कॉलरशिप का आवेदन है, आप किस तरीके से रिन्यूअल करेंगे, और दोस्तों उसमें जो प्राप्त अंक हैं और पूर्ण अंक हैं आप क्या भरेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट। ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी स्कॉलरशिप की पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एक स्टूडेंट का ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद लॉग रिन्यूअल पर क्लिक करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देते हम, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपका रिन्यूअल है तो आपको सबसे पहले जाना होगा दोस्तों आपको जो पासवर्ड फॉरगेट पे, तो इस पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं और मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको पासवर्ड है वो फॉरगेट करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपना जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे, और उसके बाद DOB यहाँ पर फिल करना है, और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना यूपी बोर्ड हाई स्कूल कौन से वर्ष में किया है, रोल नंबर इसमें, और इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करके नीचे को यहाँ पर पुनः पासवर्ड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो पासवर्ड कुछ इस प्रकार से हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे दोस्तों आप पासवर्ड फॉरगेट पर क्लिक करेंगे पुनः प्राप्त के लिए, वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद आपको इसे नोट करके रखना होगा या प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है तो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो इसमें भरेंगे, उसके बाद जन्मतिथि भरेंगे, उसके बाद दोस्तों जो पासवर्ड दिया हुआ था नीचे को वो उसमें फिल करने के बाद, उसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो लॉगिन हो जाता है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ 3 डॉट पर, तो इस 3 डॉट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ही हमारे जो स्टेप हैं सारे खुलकर आ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको जाना होगा दोस्तों संशोधन पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर संशोधन पे क्लिक कर देता हूँ, और संशोधन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म है वो खुलकर आ जाता है, वो आपको सारे डिटेल हैं वो फिल करना होगा। और यहाँ पर मैं गत वर्ष पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सारी चीज़ है वो मैंने यहाँ पर बहुत कम रिन्यूअल में 2-4 स्टेप ही हमारे जो संशोधन होते हैं। तो रिन्यूअल कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको जो गत वर्ष का पूर्णांक और प्राप्तांक है, यहीं पर हमें इस बार जो सेमेस्टर प्रणाली हो चुकी है तो इसी वजह से हमारा जो सब कुछ है डाटा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले गत वर्ष का प्रणाली है वो हमें सेमेस्टर प्रणाली करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर भी हमें वार्षिक प्रणाली की जगह हमें CGPA प्रणाली करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस पर हम CGPA प्रणाली क्लिक कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गत वर्ष का प्राप्तांक है हमारा वो यहाँ पर हम अभी भर देते हैं। प्राप्तांक है हमारा 4.88, और दोस्तों यहाँ गत वर्ष का पूर्णांक, यानी यहाँ पर पूर्णांक दोस्तों आपको 10.0 भरना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो गत वर्ष का पूर्णांक है ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों आपकी जो परसेंटेज है 48.80 बन चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर शिक्षण संस्थान का जो आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इसमें आपको फिल करना होगा। तो जल्दी से मैं इस डाटा को फिल कर देता हूँ एक बार। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको जो जो CGPA और जो आपका 4.48 जो है आपको कहाँ से मिलेगा रिजल्ट में, एक बार मैं आपको रिजल्ट बोल के दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी जगह से आपको ये पॉइंट है लेने होंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज भी हम जो हमारा जो स्कॉल जो एक BSc फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हम देखने को मिल जाएगा। जो हमारा दोस्तों यहाँ पर CGPA लिखा हुआ है ये हमारा 4.88 है, ठीक है ना। और जो हमारा 10.0 है वो हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि पहले क्या था दोस्तों 16 का हमारा जो पूर्णांक रहता था, और इस बार हमारा 10.0 का पूर्णांक रहता है। और यहाँ पर CGPA आपको टोटल पॉइंट में डालना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से अपने आप जो पॉइंट हैं वो देख सकते हैं, और उसके बाद रिजल्ट में भर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सब कुछ भर दिया, और इस चेकबॉक्स को चेक करके अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ और अपडेट का सक्सेसफुल ऑप्शन आ जाता है मेरे पास, ठीक है ना दोस्तों। अब जाते हैं हम दोस्तों होम पेज पर, और होम पेज पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपकी जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल के अपनी कॉलेज में एक बार चेक जरूर कराना है, उसके बाद दोस्तों फाइनल लॉक कराएं। तो दोस्तों हमें फिर से बैक आना होगा, और आने के बाद दोस्तों फिर हमें 3 डॉट पर जाना होगा, उस 3 डॉट पर। तो जैसे दोस्तों मैं इस 3 डॉट पर जाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों हमें आपको आधार पर वेरीफाई नहीं कराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर, तो आपको जांच हेतु प्रिंट आउट निकलेगी, और इस प्रिंट आउट को आप अपने कॉलेज जाकर अपने स्कूल में
वहाँ पर एक बार जरूर चेक कराना, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद ही आपको इसको लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद दोस्तों जैसे कि आपको जब बैक जाएंगे, और बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाएंगे, और थ्री डॉट के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जांच उपरांत फाइनल लॉक के लिए बोलेगा, ठीक है ना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दूसरे दिन आप अपनी प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं दोस्तों। इसकी लास्ट डेट है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, एक दो दिन रह गए हैं। सबसे पहले आपको ये काम बहुत जल्दी करना होगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।